स्वागत है फ्रेंड आपके अपने चैनल आसू ब्लॉग फिटनेस एंड ट्रेवलिंग। घर से निकले थे कि भिखारीपुर पहुँचे, भिखारीपुर में काफ़ी तगड़ा जाम लगा हुआ था। समय संकट मोचन मंदिर पहुंचने वाले हैं हम, कुछ ही दूर पे है संकट मोचन मंदिर। ठीक है, आज भीड़ से कम है, बृहस्पतिवार है तो देखते हैं। ये रास्ता ऐसे होते हुए ऐसे जाके यहाँ राइट में घूम जाएंगे। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, चलते हैं। पता नहीं मोबाइल सारे अलाउ नहीं है वहाँ पे, देखते हैं दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं। आते हैं बाहर से, संकट मोचन का नज़ारा आपको थोड़ा वो भी बाहर से दर्शन कर लीजिएगा। सामने संकट मोचन मंदिर, यहाँ सब लोग सब मीठा उठा भी ले सकते हैं, लड्डू चढ़ाने के लिए अंदर भी मिलता है। अंदर गए संकट मोचन मंदिर में ही एक बार बम ब्लास्ट भी हुआ था, काफ़ी साल हो गया है, वो यही मंदिर थी। चलिए हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, फाइनली दर्शन कंप्लीट हो गया, चलिए अब चलते हैं घर और निकलते हैं जिम। ठीक है, चलिए अब जिम में वर्कआउट आपको दिखाते हैं, आज बाइसेप वर्कआउट लगाएंगे हम, देखते हैं। ये फर्स्ट वर्कआउट मैंने लगाया है बारबल कर्ल। जिम पहुँच के मैंने ये 3 सेट्स लगाया मैंने, 10 to 12 रेपिटेशन। मंदिर से सीधा अब घर चलाया, उसके बाद दिखाया नहीं पाया मैं कुछ, हेड जिम में ही मिला। ये मैंने सेकंड वर्कआउट लगाया रोव से, केबल बारबल कल, इसको भी 3 सेट्स लगाएंगे, 10 to 12 रेपिटेशन।
मेरा है डम्बल कल, इसको भी 3 सेट्स लगाया 10-12 रेपिटेशन। आपको एक दिखा रहे हैं, फोर वर्कआउट मेरा हैमर है, इसको भी 3 सेट्स लगाना है 10-12 रेपिटेशन। हैमर कर पूरे बाइसेप और 4 आर्म को ट्रेन करने में काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, ये 4 आर्म को भी अच्छा ट्रेन करता है। ये 4 आर्म के लिए एक एक्सरसाइज है, इसको भी आप अपने बाइसेप जिस दिन करें उसको ट्रेन जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।